गाइस, मैं हूँ श्वेता और मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय करंट स्किन केयर रूटीन, जो मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं डेमो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यूज़ भी दूंगी। तो अगर आपको रिव्यूज़ नहीं देखना है, डायरेक्ट आप डेमो देखना चाहते हैं, तो आप इस टाइम में जाके डेमो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज कोई भी मेकअप यूज़ नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाया है, क्योंकि ये जो स्किन केयर वीडियो है इसीलिए। तो पहले मैं दिखा लेती हूँ मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये है सब प्रोडक्ट्स जो मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ। तो जो पहली प्रोडक्ट है वो पहले दिखा लेती हूँ, लनेज का मल्टी डीप क्लीन क्लींसर। इसका जो क्वांटिटी है 50 ml का है, और इसमें लिखा है कि ऑल स्किन टाइप, लेकिन ये ऑल स्किन टाइप के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपके लिए बेस्ट काम करेगा, लेकिन अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करनी होगी। और अगर आपका ऑयली स्किन है तो भी आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये फोम बेस्ड क्लींसर है, तो इसे यूज़ करने के बाद मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और बहुत क्लीन लुक देता है ये, ठीक है। और जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है, ये है लनेज का वाटर स्लीपिंग मास्क, और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको ज़्यादा थिक महसूस नहीं होगा। ये ड्राई कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, तो मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और ये मेरी सेकेंड परचेस है वाटर स्लीपिंग मास्क। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे तो ये 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो क्वांटिटी है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी लेंगे तो पूरा फेस कवर हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है वो है लनेज एसेंशियल पावर स्किन रिफाइनर लाइट। ये एक टोनर है, मैं इसे टोनर की तरह ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका जो स्मेल है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो स्मेल है परफ्यूम की तरह स्मेल है। तो किसी भी प्रोडक्ट में जब आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसी स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसे 2 बार ही यूज़ किया है। ये हाइड्रेटिंग ज़रूर है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। ऑनेस्टली गाइज, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर स्लीपिंग मास्क का जो स्मेल था वो ठीक है, स्लाइट स्मेल है, आप इसे यूज़ करने के बाद चला जाता है, लेकिन इसका जो स्मेल है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है लनेज का लिप स्लीपिंग मास्क। ये बेरी फ्लेवर में है। अभी इसका जो 2-3 टाइप्स का जो फ्लेवर है ऐड हुआ है, आप नायका में देख सकते हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप इसे नाइट में यूज़ करें तो ही बेहतर है, लेकिन आप दिन में यूज़ करेंगे तो आपका जो बाल है बार बार चिपक जाएगा लिप्स में, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बहुत ठीक है, आपको थोड़ी सी अमाउंट लगेगा यूज़ करने में। अगर फ्री प्रोडक्ट है लनेज वाटर बैंक आई जेल। ये मुझे फ्री में रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने बॉडी से 1500 का परचेस किया था। और ये जो एसेंशियल पावर स्किन रिफाइनर लाइट टोनर है, ये भी मुझे फ्री में ही मिला था, क्योंकि मैंने 1500 से ज़्यादा परचेस किया था। तो आप भी पा सकते हो, तो जल्दी से बॉडी से शॉपिंग कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स है गाइज, नायका से भी ज़्यादा ऑफर्स है, अभी तो नायका से भी ज़्यादा ऑफर्स है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए वहाँ से। तो ये डार्क सर्कल के लिए कुछ भी काम नहीं करता है। तो अगर आपका डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरह मुझे डार्क सर्कल नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो जस्ट हाइड्रेट करने के लिए। तो मैं अभी मम्मा अर्थ का जो आई क्रीम है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा। ये था ऑल प्रोडक्ट्स जो मैं अभी करंट नाइट टाइम में यूज़ कर रही हूँ। तो आज का रिव्यू यहीं तक था, तो चलिए जल्दी से डेमो देख लेते हैं। पहले सिंथल का जो माइसेलर क्लींसिंग वाटर है, इससे मेरी जो लिपस्टिक है उसे रिमूव कर लूँगी। ये जो सिंपल का जो माइसेलर वाटर है मुझे बहुत पसंद है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है आपका, तो आपके लिए ये बेस्ट है। इसमें कोई केमिकल या कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो और मैंने जो लिप्स में लगाया है वो है लॉरियल का जो टिंट है, तो मैंने उसे लगाया है, तो रिमूव करने के बाद भी ये नहीं जा रहा है ये। तो मैं जल्दी से वापस लौटती हूँ मेरी फेस को वेट करके। मैंने फेस वॉश को अप्लाई कर लिया है,
तो आप देख ही रहे हो कि ये फोम बेस्ड फेस वॉश है। आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कम क्वांटिटी लेंगे तो ये फोम हो जाता है। तो मैंने कर लिया है, तो मैं जल्दी से वापस लौटती हूँ फेस को वॉश करके। वापस आ गई हूँ फेस को वॉश करके एंड मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राई फील हो रही है। तो मैं अभी यूज़ करूँगी जो लनेज का जो स्लीपिंग मास्क है। मैं टोनर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो टोनर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो मैं डायरेक्ट लनेज का जो स्लीपिंग मास्क है उसे यूज़ कर लूँगी। तो मैं इसी से अप्लाई कर रही हूँ। और लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में हो जाती है। तो मैं ठीक से इसे मैसेज कर लूँगी मेरी स्किन में। बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो मैं अभी अप्लाई करूँगी जो लनेज का लिप स्लिपिंग मास्क है उसे। आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक तो सा लेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो मैं अभी जो आई क्रीम है उसे भी अप्लाई कर लूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा ठीक है। आपको ठीक तरह से मैसेज करना होगा इसे। ये था मेरा आज का वीडियो और डेमोस्ट्रेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर देना। तो मैं जल्दी से वापस लौटती हूँ नई नई वीडियोस लेके। बाय गाइस।